So today I will be fly a Mavic 2 Pro just first time. बिकॉज ये है एक मेरा एक्सपीरियंस है जो फर्स्ट टाइम एक ड्रोन उड़ाने की मैं जस्ट ट्राई करता हूँ. आई होप कि कुछ बुरा ना हो. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज जस्ट Mavic 2 ड्रोन. आई कैन फ्लाई. ये रिमोट है, ये फोन है और ये मेरा फूड है. वो अभी थोड़ा ड्रोन उड़ा के खाता है और इस ड्रोन को यहाँ पे मुझे इंस्टॉल करना है. So just I will be install it. Click. थोड़ा बैटरी लो है इसलिए. और यहाँ पे ये मेरा ऐप है. Cut for drone and then press and press. बैटरी लो हो चुकी है, मतलब मैं जस्ट स्टार्ट. सो ओके, सो दैट्स आई विल बी टॉक अबाउट की जस्ट अ फैंटास्टिक मैन. ये ड्रोन चलाने का काफ़ी मज़ा आता है. और जब ऐसा होता है कि जब आप एक कई नई चीज़ सीख जाते हो तो उसको चलाने का और क्यूरियोसिटी, जैसे कार हो, बाइक हो, आप कोई भी नई चीज़ सीखे जो ऑब्वियसली बात हो, उसको चलाने की क्यूरियोसिटी. मैं हर 5 मिनट बाद जैसा होता है चल ड्रोन उड़ाओ, हर 5 मिनट चल ड्रोन उड़ाओ. सो दैट्स आई विल बी टॉक अबाउट की एक क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और उस क्यूरियोसिटी साथ तुम्हारे को ऐसा थोड़ा थोड़ा बहुत ऐसा मज़ा आने लगता है. सो आई फील कि ये चीज़ मुझे बाहर जाके मजबूर कर दिया है कि मैं कहीं पे दूर जाऊँ और अच्छे से मैं शूट करूँ. सो वो चीज़ मैंने किया एक्चुअली, और मैंने शूट किया. मतलब मैं एक कमाल की बात किया है, पता है. सो जाहिर सी बात है एक्चुअली मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आता है, क्योंकि हर एक बंदे की ऐसी क्यूरियोसिटी होती है कि जब भी कोई नई चीज़ सीख ले तो उसको बस सिर्फ उड़ाने का मन करता है. तो मैं एक गया एक जगह पे जो वैसे पुरानी जगह है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चलता है. वहाँ पे कोई किसी को कुछ लागे बढ़ गया नहीं है और कुछ भी हुआ तो ड्रोन मेरा यू नो. तो जस्ट कि मैंने जस्ट प्रैक्टिस किया था और थोड़ा बहुत ऐसा मैंने रात को प्रैक्टिस किया था और मैं गया सिर्फ ड्रोन उड़ाने. एंड जस्ट मेरा ड्रोन उड़ा. और आई विल बी टेल अबाउट कि ड्रोन की एक ऐसी टेक्निक होती है कि ऑप्शन होता है कि वो होम क्लिक पे आप क्लिक करोगे तो जहाँ पर से ड्रोन उड़ाए वहीं पे आके रुक जाएगा. ये चीज़ मुझे पता थी, ठीक है. सो आई विल बी जस्ट फ्लाई अ ड्रोन एंड थोड़ा बहुत ऐसा शॉट ले वो यू नो जस्ट बिगिनर सो डू 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 वो सब हुआ. मतलब एक ड्रोन का अच्छा खासा एक फ्लाई हुआ और उसका अच्छा खासा मैंने शॉट लिया, बर्ड आई व्यू लिए इस टाइप से मैंने लिए और ये मेरा खुद का ड्रोन शॉट लिया. या इट्स ओके, इट्स गुड, यहाँ तक ठीक था. और एक खासियत जो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कि नहीं वो थोड़ा वियर्ड हो जाएगा अपने, मतलब एकदम मैं डर गया, घबरा गया, वो किस चीज़ से कि जैसे ड्रोन फ्लाई हुआ और ऐसा क्रॉस एंगल में था और मैंने होम बटन क्लिक किया था. होम बटन क्लिक करने से क्या होता है कि जहीं से आपने ड्रोन उड़ाया है वहीं पर आके वो रुक जाएगा. और वो रुक जाएगा वो मुझे पता था. मतलब वो कैसे रुकेगा कि ड्रोन पहले पूरा ऊपर जाएगा, जो कहीं कोई डिस्टेंस ना हो, सिर्फ टॉप पे जाएगा और फिर टॉप पे से अपनी लोकेशन के सिर्फ बर्ड आई व्यू पे आएगा एंड देन वहीं पे लैंड होगा. तो वो चीज़ मेरे को पता नहीं थी, मेरे को कहाँ लैंड होगा यहाँ पे. अगर ड्रोन वहाँ पे मेरे को दिख रहा है तो वहीं से आके ऐसा लैंड हो जाएगा. मेरे को ऐसा मतलब नहीं, ड्रोन को थोड़ी पता है कि ये बीच में कुछ है या नहीं है कि सीधा आके लैंड करेगा. नहीं, वो पहले सेफ्टी रीजन से सबसे ऊपर जाएगा और ऊपर जाके ऐसा बर्ड आई व्यू पे आएगा एंड देन जहाँ से उठा है वहाँ पे लैंड होगा. तो ये ड्रोन की खूबी होती है और मेरे को पता नहीं था. और मैंने जस्ट होम क्लिक बटन किया और ड्रोन उड़े जा रहा है, ऊपर उड़े जा रहा है. मैं करता हूँ कुछ हो नहीं रहा है. मैंने कहा कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि ड्रोन काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाते हैं Mavic 2 Pro. सो काफ़ी ऊपर चला गया और मैंने कुछ ड्रोन से हो नहीं रहा था. मैंने कहा मेरा फर्स्ट टाइम है, काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रोन है. सो आई एम जस्ट कि ये कहाँ पे जा रहा है, ये धीरे धीरे ऊपर जाके क्या भगवान पास चला जाएगा क्या, मेरे पैसे गए भगवान पास. तो ये थोड़ा ऐसा हुआ, फिर एकदम ऊपर गया और यहाँ से मैंने कैंसिल किया और फिर से होम की दबाया
तो पे गया, फिर मैं रिटर्न आया एंड देन दैट्स आई विल बी नो अबाउट, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा बहुत सर्च नहीं मारा था और ज़्यादा कुछ ऐसा सर्च करके मैंने ऐसा बहुत सीख के भी नहीं गया था, क्योंकि मैंने ऐसा काफ़ी बार ऐसे ड्रोन उड़ाई है मैंने, मतलब जस्ट प्रोफेशनल नहीं उड़ाई है, सब वो उड़ा रहा था लेके ऐसा ऐसा किया दे दिया ख़त्म बस, यू नो वॉट के मैंने ऐसा कुछ प्रोफेशनल काम नहीं किया, जस्ट माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस एज अ ड्रोन एंड जस्ट अ फंटास्टिक की समझो के मुँह में आ गई थे, मतलब उस टाइप का मेरा हो गया था, वो ड्रोन ऊपर ही जा रहा है, उसको नीचे लाने का कैसा ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो इंसान डर जाएगा, फर्स्ट टाइम कोई भी गाड़ी पे बैठेगा डर जाएगा कि क्या होगा, गिरेगा, ये होगा, स्पीड फास्ट हो जाती है, स्लो हो जाती है, ये सब होता है, ये सब क्यूरियोसिटी और सेंसिटिविटी से हो जाता है और थोड़ा बहुत ऐसा डर भी लगता है, तो इस टाइप का एक्सपीरियंस हुआ एंड आई होप कि इट्स नाउ ऑल गुड, क्योंकि हाल फिलहाल मैं अच्छा शॉट मुझे लेने का, जस्ट वो जस्ट 3D वाला शॉट आता है ना जो जॉयस्टिक ऊपर करके नीचे करके ऐसा लेना पड़ता है, उसमें थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम होता है, वो मेरा ड्रोन कहाँ है, सो जस्ट ये जॉयस्टिक है, ये जॉयस्टिक को ऐसा ऊपर लेना है और उसको ऐसा सामने लाना है, सो जस्ट ऊपर लेना है एंड सामने लाना है, तो ऐसा 3D टाइप घूमेगा और वो चीज़ मुझे अभी तक थोड़ी सीखनी है, वरना ऊपर नीचे अप डाउन लेफ्ट राइट ऑल ओके एंड दिस जस्ट अ गुड, दिस गुड आई बिकॉज जस्ट मेरे लिए नया गैजेट है, तो मेरे को उड़ाने का और ज़्यादा क्यूरियोसिटी, मतलब मैं हमेशा उड़ाते रहूँगा और हमेशा प्रैक्टिस करते रहूँगा, सो दैट्स माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऑन ड्रोन एंड या आई लव इट दिस ड्रोन एंड आई लव इट फॉर एज अ ड्रोन पायलट वर्क नाउ फैंटास्टिक, मिलते हैं अब कभी भी ऐसा मौका मिला तो अच्छा ड्रोन शॉट शूट करूँगा, सिर्फ ड्रोन वीडियो, सो मिलते हैं इसी टाइप से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।